एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने बक्सवाहा में आकर पहले जनपद की मीटिंग हॉल में कर्मचारियों की बैठक ली, उसके बाद तहसील कार्यालय में आकर लोगों की समस्याओं को सुना। इसके बाद रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर बोर्ड लगवाया जिसमें रजिस्ट्री शुल्क को अंकित किया गया, जिससे लोगों को यह ज्ञात हो कि निर्धारित शुल्क कितना है। आपको बता दें कि काफी समय से शिकायतें आ रही थीं कि लोगों से रजिस्ट्री शुल्क अधिक लिया जा रहा है। इसी विषय को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने रजिस्ट्री में लगने वाले शुल्क को बोर्ड पर अंकित करा दिया। बोर्ड को रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर लगवाया। इसके साथ ही तहसील प्रांगण में काम करने वाले आवेदन लेखकों को बुलाकर उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए कहा। आपको बता दें पिछले दिनों में बक्सवाहा में फर्जी रजिस्ट्री का मुद्दा काफी गर्माया हुआ था। इसी बात को लेकर जब पत्रकारों ने एसडीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि फर्जी रजिस्ट्री की जांच चल रही है और उसमें जो भी तत्व निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ शिकायतें मिली थी हम लोगों के पास में कि निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क पर कुछ सेवाएं प्रदाय की जा रही, तो उसका मतलब हमने बाहर एक 10x8 का बड़ा होर्डिंग लगा दिया है जिसके आधार पर जो है अब सेवाओं का शुल्क हम लोगों ने उस पर लिखवा दिया है और शिकायत नंबर भी दे दिया है, जिससे अगर कोई भी सेवा हो, चाहे आपका ये रजिस्ट्री लेखक हो, चाहे आपके कोई भी टाइपिंग हो या फिर क्या कहते हैं सॉरी एमपी ऑनलाइन का काम हो, उस संबंध में होर्डिंग है जिसपे सेवा शुल्क लिखा हुआ है उसका, उससे ज़्यादा शुल्क लेने पर हमने शिकायत नंबर भी उपलब्ध करा दिया है। इसके अतिरिक्त जो आवेदन बाहर कुछ टाइपिस्ट हैं उनको हमने सलाह दी है कि वे अर्जी नवीस का लाइसेंस प्राप्त करके निर्धारित शुल्क पर जनता को सेवाएं अपनी उपलब्ध कराएं, ताकि एक नियत कीमत पर ही गरीब जनता को इस कम से कम दाम पर जो है राजस्व संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनकी समस्या का निराकरण हो सके। पूर्व में फर्जी रजिस्ट्रियों के काफ़ी प्रकरण सामने आए हैं, अभी तक आपके द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है? अभी मेरे पास उसका प्रतिवेदन आया है, ऐसे प्रकरणों की जांच की जा रही है और शीघ्र इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।